हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो एवरीवन, प्लीज़ फटाफट मुझे बता दो कि सबको ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है कि नहीं। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट दैट इज़ वाटर जग प्रॉब्लम, जो कि AI की काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं कि कैसे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होता है, कैसे ह्यूमन जैसे सोचता है या फिर ह्यूमन जैसे कोई भी एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकालते हैं, तो फिर AI उस चीज़ को रिजेंबल कैसे करता है, तो फिर उसका क्या क्या इंटरमीडिएट स्टेप्स है, उन सब के बारे में बात करेंगे। हाय हाय सुखविंदर, हाय मनिका, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट मी नो इफ इट इज़ क्लियर और नॉट। क्लियर है, ओके, बहुत बढ़िया। तो फिर फटाफट सब लाइक कर दो वीडियो को, दो जो आप ऑलरेडी ज्वाइन हियर, एंड ऑल्सो शेयर द सेशन विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द कोर कॉन्सेप्ट विद इन जस्ट 1 to 2 मिनट। क्लियर है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, क्लियर, वेरी गुड, सो थैंक यू फॉर द कन्फर्मेशन गाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक दैट इज़ योर AI, एंड AI में से हम आज ओनली बात करेंगे किसके बारे में, आपके वाटर जग प्रॉब्लम के बारे में। एंड एज यूजुअल बिफोर गोइंग इन टू द डिटेल्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो यहाँ पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है दो स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे चैनल पे नए हैं, कि हमारे चैनल पे जो भी क्लासेस चलता है उस क्लासेस के अगर आपको PDF चाहिए वो आपको मिलते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर कम्प्लीटली फ्री में। एंड उसके साथ साथ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है ना, आपके यूजी नेट के क्वेश्चन हो गया एंड आपके सेट के भी क्वेश्चंस जो हैं वो सब आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, एंड दोनों फॉर्मेट में, वन इन द फॉर्म ऑफ PDF एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। सो ये सब आपको प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, एंड वो सब कम्प्लीटली फ्री है। उसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन, एंड वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ये सब कंटेंट मिल जाएंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। हमारे मेन जो टॉपिक है दैट इज़ नथिंग बट योर वाटर जग प्रॉब्लम। तो देखते हैं कि वाटर जग प्रॉब्लम जो है वो आपके AI में कैसे क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, तो वहाँ से कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड कहाँ से या फिर UGC नेट में आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे जो हमारा वाटर जग प्रॉब्लम है, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि वाटर जग प्रॉब्लम का जो मेन कॉन्सेप्ट है, इससे आपको AI के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो उसके बारे में आपको आइडिया आएगा। लाइक जैसे आपको पता है कि आप कोई भी गेम खेलते हो, राइट, तो आप कैसे सोचते हो कि ठीक है, मैं अगर मेरा पोजीशन करेंटली यहाँ पे है, मान लो जैसे आप चेस खेलते हो, तो अगर मेरा करंट पोजीशन ये है तो फिर नेक्स्ट मेरे पास क्या क्या चांसेस है, मैं कौन से नेक्स्ट स्टेप करूँगा, तो नेक्स्ट स्टेप करने के बाद क्या हो सकता है कि जो ओपोनेंट है उसके साइड से फिर ये चाल चल सकता है, तो फिर उसके आगे क्या होगा। तो हम ह्यूमन बींग क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड स्टेप्स तक सोच सकते हैं कि ठीक है, एक स्टेप हो गया, दो स्टेप हो गया, लेकिन जो AI है उसके पास इतने कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सारे स्टेप तक, यानी कि पूरा का पूरा एंड तक सोच सकता है कि अगर मैंने ये स्टेप में आगे लिया तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आगे आएगा, फिर उसको और आगे क्या आएगा, फिर उसके आगे और क्या आएगा, तो सारे के सारे पॉसिबिलिटी वो सोच सकता है। तो सेम तरीके से यहाँ पे जब भी हम कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं तो उसका देखो दो चीज़ होता है, मेन आपके पास एक इनिशियल स्टेट होगा जो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको इस सिचुएशन में छोड़ दिया गया है कि आपका सिचुएशन ये है करंट सिचुएशन, एंड
आपका जो टारगेट है, जो आपको क्वेश्चन में होगा या फिर आपको जो भी दिया गया है कि इसको सॉल्व करके आपको वहां तक पहुंचना है, दैट विल बी योर गोल स्टेप। तो हमेशा आपके पास एक इनिशियल स्टेट होता है, ठीक है, एंड हमारे पास एक गोल स्टेट भी होता है। तो ये दो चीज आपको सबसे पहले चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय योर इनिशियल स्टेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय गोल स्टेट। गोल स्टेट वही होगा जो आपको चाहिए, कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कोई भी एक चीज को सॉल्व करते करते कोई भी एक पॉइंट तक जाना होगा, सो दैट इज नॉट अबाउट योर गोल स्टेट। एंड इनिशियल स्टेट क्या है कि करेंटली आप कहाँ पे हो, देन इनको सॉल्व करने के लिए बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स होते हैं, फिर स्टेप्स होता है, एंड एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कैसे जाओगे उसके लिए कुछ रूल्स भी होता है, एंड आपको उस रूल्स को ही फॉलो करके क्या करना होगा, स्टेप्स को चेंज करना होगा। ऐसा नहीं कि आपने मन में जो है वो कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर हम चेस के बारे में बात करेंगे, तो चेस में हर एक जो भी और आइटम्स होते हैं उनको आगे मूव करने के लिए कुछ रूल होता है। आपके पास जो भी हॉर्स होता है उसके लिए अलग है, किंग के लिए अलग है, क्वीन के लिए अलग है। तो सेम तरीके से यहाँ पे हर एक प्रॉब्लम के हिसाब से वहाँ पे आपके पास रूल्स होता है, एंड उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वाटर जग प्रॉब्लम क्या है, फिर वाटर जग प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ये आपने बचपन में आई होप सब ने तो फेस किया होगा, मैंने तो फेस किया था एंड बाकी सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फेस किया होगा। भाई होता क्या है कि आप देखोगे, जैसे आप जाते हो कहीं पे, आपको कोई, जब आप छोटे होते हो क्लास 2-3 में होते हो, तो फिर वहाँ पे कोई बड़े लोग आपको मिल जाते हैं, तो आपको बुला के पूछते हैं कि बेटा ठीक है आपका क्लास 2 है तो फिर ये वाला प्रॉब्लम का आंसर बताओ। तो आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा जो दिमाग लगाने वाली बात है वही पूछते हैं कि ठीक है बताओ कि मेरे पास दो जग है, इसमें कोई मेजरिंग चीज़ नहीं है, आप कोई भी जो वाटर को मेजर कर सकते हो, तो बताओ कि इतना पानी में कैसे निकाल सकता हूँ, या फिर इतना अमाउंट ऑफ पानी में कैसे निकाल सकता हूँ जिसमें आपके पास कोई मेजरिंग टेप नहीं है। जस्ट आपको बोला गया है कि इसमें आपके पास 5 लीटर पानी होता है, उसमें आपके पास 2 लीटर पानी भर सकता है अगर आपने उसको फुल किया, तो आप कैसे फिर करोगे, कैसे कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करोगे सो दैट आपको लास्ट में 2 लीटर पानी मिलेगा। तो वही चीज़ है, दैट इज नथिंग बट द वाटर जग प्रॉब्लम। हम वाटर जग प्रॉब्लम में वही देखेंगे कि वो जो प्रॉब्लम आपने बचपन में सुना है आई होप, तो उसका फिर कैसे सॉल्यूशन है। मैंने देखो, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है मेरे पास ये है, अगर मैं इसे चेंज करूंगा तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास, नेक्स्ट और क्या होगा। आप एक रास्ते में चलते हो आगे, ठीक है, आपको अगर वहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिला फिर आप वापस आते हो कि ठीक है ऐसा तो नहीं हो रहा है, फिर कोई दूसरे रास्ते चूज़ करते हैं कि क्या हम इस रास्ते में भी चलेंगे अगर हमें सॉल्यूशन मिलेगा क्या, तो फिर उसको आप एक्सप्लोर करते हो। लेकिन AI उसको कैसे सॉल्व करता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी कैसा है, वी विल हैव अ लुक एट दैट। तो लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो मेन कॉन्टेंट है या फिर जो क्वेश्चन है आपको कैसे आएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा आपके आपके एग्जाम में, लाइक यहाँ पे लिखा है देखो कि सपोज यू आर गिवन टू जग विथ कैपेसिटी 3 लीटर एंड 4 लीटर रिस्पेक्टिवली, एंड नेदर जग हैज एनी मेजरिंग मार्कर ऑन इट, एंड देर इज अ पंप दैट कैन बी यूज टू फिल द जग विथ वाटर। तो वहाँ पे क्या है कि मान लो आपके सामने कोई मेजरिंग टेप नहीं है उसको मेजर करने के लिए, एंड आपके सामने क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही जग है, एंड आपके सामने एक काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, लाइक डिस्क्राइब्ड हियर, हमारे पास क्या है, फिल करने के लिए पंप है, ठीक है, यही चीज़ आपको कुछ ना कुछ गिवन रहेगा कि आपके पास मान लो पंप है या फिर आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है जहाँ से आप वाटर को फिल कर सकते हो, एंड आपके सामने ओनली 2 ही जग है जिसका कैपेसिटी क्या है, 3 है, यानी कि अगर आप उसको पूरा पूरा फुल करोगे तो उसका फुल कैपेसिटी होगा 3 लीटर, और एक होता है आपके पास 4 लीटर। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मेजरिंग नहीं कि अगर आपने यहाँ तक वाटर को फिल किया तो ये 1 लीटर होगा, यहाँ तक किया तो 2 लीटर होगा। तो जनरली जैसे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होता है उसमें मेजरिंग मार्कर्स होता है कि ठीक है यहाँ तक 1 लीटर, फिर 2 लीटर, फिर 3 लीटर, ऐसा कोई भी सीनेरियो है नहीं। ऐसा सीनेरियो होगा तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, आप तो आराम से 2 लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा मेजरिंग टेप है नहीं। एंड यहाँ पे लिखा है कि हाउ कैन वी गेट एग्जैक्टली 2 लीटर्स ऑफ वाटर इंटू 4 लीटर जग। तो यहाँ पे आप बताओ कि इसमें जो आपके पास एक 4 लीटर वाला जग है तो उसमें आप 2 लीटर पानी कैसे भर सकते हो। तो ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा गोल स्टेट। दैट मीन्स आपका गोल स्टेट क्या होगा कि जो 4 लीटर वाला जग है उसमें आपको चाहिए कितना, 2 लीटर चाहिए। तो फिर आपको कैसे भी करके इधर से उधर पोर करो, जो बाहर फेंकना है फेंको, कुछ भी कर सकते हो, वो चीज़ आपको नेक्स्ट गिवन रहेगा, दैट इज नथिंग बट द सेटअप ऑपरेशन या फिर जो रूल्स। मैंने बोला था कि अगर आप कोई भी एक स्टेज में हो, आपको नेक्स्ट स्टेज में जाना है, तो फिर आपको कुछ सेटअप रूल्स को फॉलो करके जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि यहाँ पे आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने के लिए बोला गया है। जैसे लिखा गया है कि एंड ऑपरेशन आर लाइक वी कैन फील ए जग फ्रॉम द पंप,
आप जग को पंप से फिल कर सकते हो। वी कैन पोर वाटर आउट ऑफ द जग अंडर द ग्राउंड, आपको मन नहीं हुआ या फिर आपका मन किया आपने पूरा का पूरा पानी फेंक दिया, वो भी आप कर सकते हो। एंड वी कैन पोर वाटर फ्रॉम वन जग टू अनदर, आपके पास जो दो जग है आप ये बड़े वाले जग से यहाँ से भी पानी पोर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ पे भी पानी पोर कर सकते हो, चाहे तो आप बाहर निकाल सकते हो, चाहे कहीं से इसको इनपुट दे सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो जो जो चीज़ पॉसिबल है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। एंड आपका टारगेट क्या दिया गया है कि आपके पास जो एक 4 लीटर वाला जग है उसमें आपको चाहिए कितना, 2 लीटर जग, 2 लीटर पानी। तो कर पाओगे इसको सॉल्व? मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स ये वाले जो प्रॉब्लम है ना इसको पहली बार देख रहे हो। मुझे तो लगता नहीं, ये इस टाइप के प्रॉब्लम आपने कभी ना कभी सुना होगा। है ना, तो कर पाओगे क्या, मतलब पहली बार सुन रहे हो या फिर किया है पहले? मनिका, ठीक है, सो चलते हैं आगे। अभी आई थिंक आपको प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम है क्या एंड हमारा गोल स्टेट क्या है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, पहली बार सुन रहे हो ऐसे कैसे? बचपन में फिर आपके आसपास ज़्यादा मतलब बड़े लोग के पास आप नहीं जाते थे, वो जाओगे तो फिर ऐसे क्वेश्चन उनके साइड से सुनना पड़ता था कि या फिर पूछते थे आपको कि इसका क्या सोल्यूशन होगा बताओ, ऐसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको पूछते थे। एंड ऑब्वियसली आप छोटे होते तो आपको उसका आंसर नहीं आता है, एंड अगर आप उतना ही स्मार्ट होते हो तो फिर आप थोड़ा बहुत आंसर दे सकते हो उसका। तो चलते हैं अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं एंड थोड़ा सा AI के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि AI फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन क्या दिया जाता है, हमारे पास दो जग था, ठीक है, एक था हमारे पास 3 लीटर, तो मैं यहाँ पे दो जग बना रहा हूँ, एक 3 लीटर एंड एक था 4 लीटर। तो ये दो जग है, आपको बोला गया था कि जो 4 लीटर वाला है इसमें आपको चाहिए कितना, दो, एंड ऐसा एग्जैक्टली दो चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अंदाजे से उसको आधा पानी भर दोगे तो 2 लीटर हो जाएगा, अंदाजे से कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा, मे भी 2 लीटर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वैसा अंदाजा नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्टली 2 लीटर चाहिए। तो फिर आप कैसे भी करके एग्जैक्टली आपको 2 लीटर लाना है, एंड वो फिर किस में लाने हो, आपको 4 में ही दिया गया है, क्योंकि देखो 2 लीटर पानी 3 में भी आ सकता है, आप 3 में भी भर सकते हो, लेकिन नहीं, आपको चाहिए किस में, 4 लीटर वाला जग में चाहिए। तो लेट स्टार्ट। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इनिशियल स्टेट है जिसमें दोनों के दोनों जग जो है वो आपके पास एम्प्टी है, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग वाला जग है मैं इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 0 0, दैट मीन्स क्या, दिस फर्स्ट आइटम डिनोट्स योर फर्स्ट जग, सेकेंड आइटम डिनोट्स योर सेकेंड जग। तो पहले में आपके पास 3 लीटर का जग है लेकिन उसमें कुछ पानी है नहीं, 0 यानी कि सेकेंड वाले में भी आपके पास कुछ पानी नहीं, उसको मैंने 0 में रिप्रेजेंट किया है। सो दिस इज नथिंग बट योर इनिशियल स्टेप। तो मुझे बताओ कि नेक्स्ट, यानी कि ये स्टेप से मैं आगे क्या क्या, जस्ट एक स्टेप आगे मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आपके पास दो जार है, एक का 3 लीटर है, एक का 4 लीटर है, एंड यू नो क्या क्या ऑपरेशन आपको दिया गया, किस किस चीज़ को फॉलो करना है, क्या नहीं करना है, वो आपके पास ऑलरेडी है, तो फिर मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, फटाफट बताओ। आप क्या क्या कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो? देखो मैं चाहूँ तो ये जो 3 लीटर वाला जग है इसमें पानी फुल कर सकता हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं? इसमें नहीं करूँगा, 4 लीटर में नहीं करूँगा, ओनली 3 लीटर में करूँगा। दूसरा हो सकता है कि मैंने 4 लीटर में फुल किया, 3 में नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। और क्या होगा कि मैं दोनों में ही पानी फिल कर दिया, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मैं अगर इस वाले कंडीशन पे हूँ तो मेरे पास 3 चांस है या फिर 3 नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल है यहाँ से। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो 3 लीटर वाला जग है उसको मैं फुल करूँगा, दूसरे को खाली रखूँगा। नेक्स्ट वन, मेरा जो 3 लीटर वाला जग है उसको मैं 0 करूँगा, यानी कि उसमें कुछ भरूंगा ही नहीं। सेकेंड वन को 4 रखूँगा, यानी कि उसमें मैंने फुल कर दिया, क्योंकि आप ऐसे आधा अधूरा ऐसा तो कर नहीं सकते, करोगे तो फुल ही करोगे सबको, नहीं तो पूरा खाली रखोगे। एंड आप इधर दोनों को 3 4 यानी कि दोनों को फिल कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको कि मैंने नेक्स्ट स्टेप कैसे निकाला यहाँ पे, बताओ फटाफट, क्योंकि यहाँ पे देखो हर एक स्टेप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फटाफट बताओ चार सेक्शन में, इज दिस स्टेप क्लियर कि मैंने कैसे यहां पे 300434 लिखा? क्लियर, ओके गुड। नेक्स्ट वन क्या करेंगे, फिर वही चीज जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप्स है उसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे। फर्दर कैसे एक्सपेंड करेंगे, like, अभी मुझे बताओ जैसे हम 00 पे थे एंड नेक्स्ट हमने क्या क्या निकाला कि हम 30 कर सकते हैं, यानी कि पहले को हमने पूरा भर दिया, दूसरे को खाली रख दिया, पहले को खाली रख दिया, दूसरे को पूरा भर दिया एंड दोनों को ही पूरा भर दिया, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो आप अगर मान लो ये वाला स्टेप को फॉलो करके आए, 30 पे आए, तो मुझे बताओ कि 30 से फिर आप आगे क्या क्या कर सकते हो। अगर मान लो आपके पास ऐसा सिचुएशन है, दिस इज योर करंट स्टेट नाउ, यानी कि जो पहला वाला जग है जिसमें 3 लीटर पानी था, तो उसमें आपने पानी पूरा पूरा फुल रखा है एंड नेक्स्ट वन में जो 4 लीटर वाला जग है उसमें कुछ पानी है ही नहीं, तो यहाँ से आगे क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा मुझे, फटाफट बताओ। तो क्योंकि देखो यही चीज़ ही चाहिए आपको और कुछ है ही नहीं, आप इसको ऐसे ही एक्सपेंड करते जाओगे एंड जो आपका टारगेट स्टेट है एंड देखो टारगेट स्टेट भी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं आपको टारगेट स्टेट भी लिख रहा हूँ। टारगेट स्टेट आपका क्या होगा, आपको सेकेंड में क्या चाहिए, 2 लीटर पानी चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि सेकेंड में मुझे 2 चाहिए, पहले में कितना भी हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले में क्या हो सकता है, पहले में देखो अगर मैं इसको n में रिप्रेजेंट करूँ, n कैन बी 1, 2, 3, क्योंकि पहले का 0 भी आप ऐड कर दो, पहले का जो आपके पास कैपेसिटी है या फिर पहले जग का जो कैपेसिटी दैट इज नथिंग बट योर 3 लीटर, तो फिर आप उसमें 0 लीटर रख सकते हो, 1, 2, 3 इतना ही हो सकता है। तो फिर n के वैल्यू कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन सेकेंड में हमारे पास 2 चाहिए, तो दिस इज द टारगेट स्टेप या फिर टारगेट स्टेट जहां तक आपको पहुंचना है। क्लियर, ओके गुड। तो अभी मुझे बताओ कि 30 से हम कहां कहां पे जा सकते हैं, 30 से हम हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा वो क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही आपको हर एक स्टेप को एक्सपांड ही करते जाना, और कुछ है नहीं। आ रहा है कुछ समझ में या नहीं? नेक्स्ट वन क्या होगा, अगर मैं 30 को एक्सपांड करूँ, हमें सबको एक्सपांड करना पड़ेगा, हमें 30 को भी एक्सपांड करना पड़ेगा, हमें 04 को भी एक्सपांड करना पड़ेगा, एज वेल एज हमें 34 को भी एक्सपांड करना पड़ेगा। देखो 30 को मैं कैसे एक्सपांड करूँगा, नेक्स्ट आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, आप चाहे तो दोनों को मान लो आपने खाली कर दिया, पहले तो एक वाला तो खाली था ही ऑलरेडी, आपके नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकते हैं कि आपने 3 को भी खाली कर दिया, दैट इज नॉट बट योर 00। नेक्स्ट वन क्या हो सकता है मेरे पास, कि जो मेरा 3 लीटर वाला जग है उसको मैं 5 लीटर वाले में शिफ्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला आपके पास 0 हो जाएगा, सेकेंड वाला आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने दोनों को फिल कर दिया, क्या क्या हो सकता है, 3 और 5, तो ये मेरा 3 ही पॉसिबल स्टेप है अगर आप यहाँ पे हो तो। नेक्स्ट चलते हैं, लेट्स एक्सपांड दिस वन, 04 को एक्सपांड करते हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वही चीज़, आप चाहे तो 00 कर सकते हो, यानी कि ये तो 0 था ही, इसको आपने फिर से निकाल दिया, आपने भरा था फिर इसको निकाल दिया, कर सकते हो ना रूल के हिसाब से। नेक्स्ट वन क्या है, आप 4 लीटर वाले जो जग है उसमें से आपने इसमें पानी भरा, तो फिर क्या होगा, क्योंकि इसका कैपेसिटी 3 लीटर, तो अगर आपने उसमें पानी भरा तो 3 लीटर पर अगर फुल हो जाएगा, इसमें बचेगा कितना, 1 लीटर बचेगा, तो 3, 1, 1 हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि आपने दोनों को ही फिल कर दिया, यानी कि वही चीज़ 3, 4, ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे हूँ 3, 4 पे हूँ, तो फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या क्या हो सकता है, आप वही चीज़ कर सकते हो, लाइक आपने 1 खाली कर दिया, 0, 4, 3, 0 और 0, 0, क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? नेक्स्ट जो मैंने हर एक स्टेज को एक्सपांड किया, मुझे एक बार फटाफट बताओ देख के सामने, क्या ये सबको क्लियर है? यस 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 गुड। 3, 0, 3, 1, 3, 2 कहाँ से आ गया, 2 कैसे होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। मुझे सबसे पहले बताओ सर 3, 5 कैसे, दूसरा 4 लीटर है ना, 3, 5 कहाँ पे मैंने लिखा, अच्छा यहाँ पे लिख दिया क्या, सॉरी। देखो हमने क्या क्या किया था, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक,
सो क्वेश्चन क्या था, हम यहाँ पे 3-0 पे हैं, तो आपने क्या किया कि 0-0 दोनों को खाली कर दिया एंड यहाँ पे 0-3 कर दिया, यानी कि इसको यहाँ पे पोर कर दिया एंड अगर आप चाहो तो दोनों को फिल कर दो, वही थे ये 3-4 ही होगा, 3-5 लिख दिया मैंने गलती से। तो ये हो गया आपके पास नेक्स्ट स्टेप, ये इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि अगर ऐसा कोई स्टेप है जो आपको आगे लेकर के जा रहा है तो आपको उन्हीं स्टेप्स को ही क्या करना है, सिंपली प्रोसीड करना है, उन्हीं स्टेप्स को ही आगे फॉरवर्ड एक्सपेंड करना है। एंड अगर कोई ऐसा एक स्टेप है जो आपको आगे लेने की वजह घुमा के पीछे लेके जा रहा है, क्योंकि देखो अगर आपको घुमा के वो पीछे लेके जाएगा तो आप एक काइंड ऑफ लूप के अंदर फंस जाओगे। जैसे एज आई कैन से हियर 0-0, तो देखो ये जो 0-0 है ना, ये कोई न्यू स्टेप नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा पुराना स्टेप है। तो फिर अगर आप यहाँ से आगे जाओगे तो ये एक लूप हो जाएगा, फिर 3-0 से 0-0 जाओगे, फिर 0-0 से यही स्टेप्स आएंगे, फिर आप वही 3-0 पे आओगे, तो काइंड ऑफ लूप के अंदर आपको घुस जाओगे एंड आप आगे फॉरवर्ड नहीं जा पाओगे। तो फिर आपको इसको फर्दर एक्सपांड नहीं करना है, आपको हर एक स्टेप में चेक करना है कि क्या मेरे पास कोई न्यू स्टेप है, फिर मेरे पास जो भी स्टेप्स मैंने यहाँ पे अभी अभी एक्सपेंड किया है तो क्या वो कोई पुराना स्टेप को डिनोट कर रहा है। तो अगर पुराना स्टेप को डिनोट कर रहा है तो फिर आपको उसको इंक्लूड नहीं करना है या फिर आपको उसको फर्दर एक्सपेंड नहीं करना है। एंड अगर आपके पास कोई न्यू स्टेप है तभी जाके आपको उसको फर्दर एक्सपेंड करना है। देखो 0-3, क्या 0-3 कोई न्यू स्टेप है आपके पास? यस, आपके पास देखो पुराने में कोई भी 0-3 है नहीं, तो फिर आपको इसको एक्सपेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वन 3-4, क्या है कोई न्यू स्टेप है? नहीं, 3-4 देखो ऑलरेडी एक प्रीवियस स्टेप का एक हिस्सा है, 3-4 ऑलरेडी पीछे था, तो फिर आप इसको एक्सपेंड करोगे वही चीज़ होगा, फिर यही आगे आगे एक्सपेंड होगा, तो फिर यहाँ पे भी लूपिंग हो सकता है, तो आपको इसको भी एक्सपेंड नहीं करना है, इसको भी नहीं करना है, आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, देखो फिर से वही 0-0 पुराना स्टेप नहीं करना है। 3-1, हाँ ये एक नया है, आप इसको कर सकते हो आगे। 3-4, देखो फिर से पुराना है, इसको आपको एक्सपेंड नहीं करना है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने से हट जाएंगे अगर आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो। नेक्स्ट देखो आज यू कैन सी हियर 0-4, क्या आप इसको एक्सपेंड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पुराना स्टेप है। 3-0, क्या इसको करोगे? नहीं, ये भी वही पुराना स्टेप है। एंड 0-0, ये भी वही पुराना स्टेप है। तो आप इस रास्ते से आगे नहीं जाओगे, इसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपके सामने अभी दो चॉइसेस है, आप आइदर इसको एक्सपेंड कर सकते हो नहीं तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो। एंड हमेशा आप ध्यान रखो, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स, आप घुमा फिरा के चाहे तो 50 स्टेप भी कर सकते हो, लेकिन वो आपको नहीं चाहिए। हमेशा जैसे हर एक यूजर को चाहिए कि जो भी सॉल्यूशन है वो आप मिनिमम टाइम के अंदर मेरे पास आना चाहिए। तो फिर आप जो भी स्टेप्स को यूज़ करोगे या फिर जो भी सॉल्यूशन को अपनाओगे वो मिनिमम टाइम के अंदर होना चाहिए, फिर उसमें मिनिमम स्टेप्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार फटाफट जस्ट कंफर्म कर दो चार सेक्शन में कि इज इट क्लियर टिल नाउ, जो हमने स्टेप्स को एक्सपेंड किया एंड कौन से स्टेप्स को हमने डिस्कार्ड किया एंड क्यों किया, एंड अभी हम नेक्स्ट किस किस को एक्सपेंड करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, एक है आपके पास 0-3, नेक्स्ट वी हैव 3-1, हम इन्हीं दो के एक्सपेंड करेंगे, बाकी सबको हमने डिस्कार्ड कर दिया। एंड रीजन क्या है वो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। क्लियर? क्लियर, ओके, गुड, वेरी गुड। चलते हैं अभी आगे। अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, 0-3 एक स्टेप है और आपके पास 3-1 है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन 0-3। तो 0-3 जो स्टेप है इसको अगर मैं आगे एक्सपेंड करूँ तो मेरे पास क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा, आप लोग बताओ। जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया था, इफ आई एक्सपेंड 0-3 तो व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स नेक्स्ट। 0-3 का मतलब क्या है कि आपका जो 3 लीटर वाला जग है उसमें कुछ है नहीं, वो पूरा पूरा ब्लैंक है, लेकिन 4 लीटर वाला जो जग है उसमें 3 लीटर पानी अब है, तो मैं क्या करूं बताओ, नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं? यहां से देखो हमेशा ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली आप सारे के सारे चीज को एक्सपेंड करते जा रहे हो, बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा सोचो कि नेक्स्ट मैं क्या करूं, जैसे मेरे पास 4 लीटर पानी आया, फिर 4 लीटर पानी जो आपका टारगेट है उस तरफ आपको जाना है। सर 4 लीटर बोला, 2 लीटर, सॉरी माई मिस्टेक, 2 लीटर आपको चाहिए सेकेंड वाले में। तो कुछ सोच पा रहे हो या नहीं? देखो अगर आपके पास 0-3 है तो आप क्या करोगे, सिंपल अगर आपने दोनों को खाली कर दिया तो फिर वो घुमा फिरा के आपको वही प्रीवियस वाला स्टेप पे लेके जाएगा। ठीक है, अगर आपने फिर इसको फिल कर दिया जिसमें 3 था उसको 5 कर दिया तो फिर वो 0-5 हो जाएगा, सॉरी 0-4 हो जाएगा, फिर से वो आपको पुराने वाले स्टेप में लेके जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, दोनों को फिल कर दो, दोनों को आई मीन ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, मुझे इस वाले को फिल करना है, किसको? 3 एंड
थ्री करना है इसको, सॉरी मैंने अगर ओनली पहले वाला को फिल किया थ्री एंड थ्री, तो ये मेरा एक न्यू स्टेप होगा, है कि नहीं। मैं इसको और ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ, जो ओनली एक्सपेंडेबल स्टेप से उसी को लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको अभी पता चल गया हो कि जीरो थ्री में से क्या क्या हो सकता है एंड उसमें से हम किस किस को नहीं एक्सपेंड करेंगे, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, डायरेक्टली मैंने थ्री थ्री लिखा, क्योंकि दिस इज़ द न्यू स्टेप। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आना चाहिए, सो दैट आप जो आपका टारगेट गोल है या फिर जो सेकेंड वाले जार में आपको 2 लीटर चाहिए, वहाँ तक आप आसानी से पहुँच पाओगे। हाई विनोद, गुड इवनिंग टू यू। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास 3-3 हो गया, यानी कि 3 लीटर वाला जग में आपके पास 3 लीटर है, 5 लीटर वाले जग में आपके पास कितना है, सॉरी 4 लीटर वाला जग में आपके पास 3 लीटर है। तो सोचो कि हमारा जो 4 लीटर वाला जग अभी इसमें कितना है, अभी इसमें मान लो 3 लीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू द करेंट सिनेरियो, तो इसमें अभी कितना बचा होगा, इसमें अभी आपके पास 1 लीटर खाली है, ठीक है, एंड हमें 2 लीटर चाहिए, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। अगर ये 3 लीटर वाला जार में से अगर हमने इससे पोर किया, तो फिर यहाँ से 1 लीटर माइनस हो जाएगा एंड इसमें 2 लीटर आ जाएगा। तो सिंपल वही करो, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें पोर करेंगे, तो फिर इसमें हो जाएगा कितना, 2, इसमें हो जाएगा 4। समझ में आ रहा सबको, 2-4 कैसे हुआ। नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर 2-4 आपको मिल गया, यानी कि 2 एक स्टेप आ गया या फिर 2 आपका जो टारगेट गोल था वो आ गया, लेकिन एक्चुअली वो टारगेट नहीं है, क्योंकि टारगेट आपको कैसे चाहिए, वो 2 आपको सेकेंड वाले में चाहिए। अभी जो 2 लीटर है वो आपके 3 लीटर वाले जार में है, लेकिन वो चाहिए आपको 4 लीटर वाले जार में। तो चलते हैं उस, वो करने के लिए आपको पहले इसको खाली करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 0 करेंगे, नेक्स्ट 0 and 2, जो हमारा टारगेट स्टेप था दिस वन, N2 था ना, N के वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एंड हमारा वन ऑफ द टारगेट गोल अचीव हो गया, दैट इज 0 2। पहले में कुछ है नहीं, सेकेंड वाले में 2 है, तो ये है आपके टारगेट गोल। तो स्टार्टिंग से लेकर के, यानी कि इनिशियल स्टेट से लेकर के, आप कैसे कैसे वहाँ तक गए, कैसे आपने सबको एक्सपेंड किया एंड कौन से स्टेप को आपने डिस्कार्ड किया, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक बार फटाफट चैट सेक्शन में कन्फर्म कर दो जो भी हमें प्रेजेंट हो। क्लियर है नहीं, या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर, ओके, वेरी गुड। तो यही है आपके सॉल्यूशन। आप देखो सेम तरीके से आप 3-1 को भी क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। 3-1 से भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन इसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स होगा, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या दिया गया था, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के साथ ही जाना है। तो फिर मिनिमम स्टेप यही होगा, एक ही है, दैट इज 0 0 3 0 0 3 3 3 2 4 2 0 0 2। तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होगा, मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, या फिर आपको ऐसे पूरा पूरा ऑर्डर भी गिवन रह सकता है कि कौन सा मिनिमम फिर बताओ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द मिनिमम स्टेप एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितना है, गिन के बताओ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल 7 स्टेप्स है जिसमें आपको टारगेट गोल तक पहुँचने के लिए लगता है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, अगर आपको वाटर जग प्रॉब्लम से आया क्वेश्चन, एंड वाटर जग प्रॉब्लम से वैसे तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, मैंने क्वेश्चन को इंक्लूड भी किया है, उसको भी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। बट इसमें इसमें क्या है, 2 4 कैसे, ये वाला यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे 2 4 होगा। देखो 3 3 का मीनिंग क्या है, आपके पास 2 था ना, एक 3 लीटर था, इसमें आपने पानी पूरा का पूरा भरा था, पूरा फुल है इसमें पानी, एंड इसमें कितना था, इसमें भी 3 लीटर था, तो इसमें एम्प्टी स्पेस कितना होगा, एम्प्टी स्पेस इसमें 1 लीटर है। तो अगर जब मैं इसको यहाँ पे पोर करूँगा, 3 लीटर वाला जो जग है जिसमें पूरा का पूरा 3 लीटर पानी है, जब मैं इसको पोर करूँगा तो ये जब भरेगा उसमें से कितना माइनस होगा, उसमें -1 नहीं होगा, -1 होगा तो ये आपके पास 2 हो जाएगा एंड ये कंप्लीट फिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, बस यही है। अब आया समझ में? फिर उसके आगे स्टेप से लाइक आपके पास 2 लीटर मिल गया, तो फिर सेकेंड वाले को खाली कर दो, बस उसमें पोर कर दो, आपका जो टारगेट गोल था वो आपको अचीव हो जाएगा। ओके गुड, चलते हैं आगे नेक्स्ट वन। सो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या चाहिए, 7 चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं कि देखते हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है
एंड हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता है, बस मैंने एक आपको समझा दिया, नेक्स्ट वन आपके हाथ में है. आपको ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करके करना है, बस मुझे बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कैसा कितना आएगा. ठीक है, सो मैं चल रहा हूँ आगे. किसी को डाउट है इस पेज में तो बता सकते हो अभी भी. लाइक मनिका आस्क्ड कि सर 24 कैसा है. बाकी किसी को कोई डाउट है लाइक विनोद, श्रुति, अक्षय, सुखविंदर, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, लेट मी नो एनी डाउट फ्रॉम एनी वन साइड. ठीक है, चलते हैं आगे. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. देखो ये आपके यूजीसी नेट का क्वेश्चन है. क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि क्वेश्चन सेज गिवन टू जग्स ऑफ कैपेसिटीज लाइक 5 लीटर एंड 3 लीटर विथ नो मेजरिंग मार्कर्स ऑन देम. अज्यूम दैट देयर इज एंडलेस सप्लाई ऑफ वाटर, देन द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स टू मेजर 4 लीटर्स वाटर विल बी डैश. यानी कि आपके पास दो जग दिया गया है, एक आपके पास 5 लीटर है, एक आपके पास 3 लीटर है. ठीक है, आपको कितना चाहिए? आपको 4 लीटर चाहिए. तो 4 लीटर आप कहां पे लोगे? 3 लीटर में तो 4 लीटर जगह आएगा नहीं, तो फिर आपको 5 लीटर में ही भरना है. तो फिर इसमें आएगा 4, यहां पे कुछ भी होगा चलेगा, 0, 1, 2, 3 कुछ भी होगा चलेगा. सो दिस इज योर टारगेट स्टेप, टारगेट स्टेट. पहले में आपको पास 4 चाहिए, दूसरे में कुछ भी होगा चलेगा. तो फिर बताओ कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इसमें कितना है. वही सेम मेथड को फॉलो करो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है. आपके पास देखो क्वेश्चन, सॉरी आंसर कैसा है, 3, 4, 5, 7. तो इन चारों में से कोई एक होगा. कैसे आप वहां तक पहुंचोगे, आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, लेट मी नो. इनिशियल से लेकर के फाइनल तक इट कैन टेक सम टाइम, सो आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स मैक्सिमम. 2 मिनट के अंदर तो आ जाएगा आंसर, इससे ज्यादा टाइम भी आप डिवोट नहीं कर सकते इस टाइप के क्वेश्चन में. वही चीज करो, देखो कि करंट स्टेट क्या है, नेक्स्ट स्टेट एक को एक्सपेंड करो, देन वहां से देखो कि अगर आपको न्यू स्टेट मिल रहा है तभी जाके उसको एक्सपेंड करो, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसको छोड़ी दो या फिर उसको डिस्कार्ड कर दो. फोर, ओके, एक आंसर ऑलरेडी आया है यहाँ पे चार सेक्शन में, दैट 4 विनोद जी ने बताया कि ठीक है. विनोद जी एक बार डिस्क्राइब करो या फिर वो स्टेप्स को एक बार चार सेक्शन बताओ कि चार स्टेप्स में आपने कैसे किया, इनिशियल स्टेप क्या. एंड देखो आपको इनिशियल फाइनल सबको काउंट करना है, इनिशियल क्या है एंड आप फाइनल तक कैसे गए, क्या क्या नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप है, लेट मी नो इन द चार सेक्शन. बाकी किसी के साइड से हुआ या नहीं,
आपको 4 लीटर पानी चाहिए किसमें, 5 लीटर वाले जग में। एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है, एक्सप्लेन तो करूंगा ही मैं, बट बाकियों के लिए वेट करते हैं थोड़ा सा। बाकी इन्होंने एल्स लाइक मनिका, सुखविंदर, श्रुति, बताओ हो रहा है कि नहीं। अक्षय, देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया ना वही करना है, और कुछ है नहीं न्यू बात। बस आपको करंट स्टेट क्या है वही 0-0 ही है, तो फिर वहाँ से कैसे कैसे आगे जाकर कर रहे हो। ठीक है ठीक है, फिर वेट करते हैं अगर कर रहे हो तो। ट्राइंग, यस ट्राई करोगे तभी जाके आपको आंसर मिलेगा। ऐसे बस हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब खुद ही ट्राई करोगे तभी जाके आपको क्वेश्चन एक्चुअल में कैसे सॉल्व करना है वो स्ट्रेटेजी आपका डेवलप होगा। तो लेट मी राइट डाउन सम थिंग्स, लाइक जैसे हम अभी कहाँ पे हैं, 0-0 पे है, हमारे पास दो जगह, एक क्या है 5 और 3, यस 5 और 3 रिस्पेक्टिवली। तो फिर एक होगा आपके पास 5 लीटर, एक होगा 3 लीटर। तो देखो यहाँ से अगर आप 0-0 पे हो तो नेक्स्ट क्या क्या जा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर 5-3। अगर आप 0-0 पे हो तो फिर नेक्स्ट आप नेक्स्ट स्टेप आपका क्या क्या होगा, वही चीज़ लाइक आप दोनों को फील कर सकते हो, दोनों में से कोई एक फील करोगे। जैसे मान लो मैंने पहला वाला को एम्प्टी कर दिया, दूसरे को फील कर दिया 0-3। नेक्स्ट क्या हो सकता है 5 और 0, नेक्स्ट क्या हो सकता है 5 और 3, दोनों को मैंने फील कर दिया, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसमें कुछ आप स्किप नहीं करोगे, ये तो आपको बनाना ही है। नेक्स्ट वन क्या है, 0-3 पे आप हो, यहाँ से फिर आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो। यहाँ से देखो आप क्या क्या कर सकते हो, आप दोनों को खाली कर दो, 0-0 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, आपने 3 लीटर वाले को 5 लीटर वाले में डाल दिया, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर 3 और 0, एंड आपने दोनों को फिल कर दिया वही 5 और 3, ठीक है ये आपको मिल गया। दूसरा क्या है 5-0, 5-0 यानी कि पहले वाले में 5 है, दूसरे में कुछ है नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने दोनों को ही खाली कर दिया वही 0-0, देन 5 लीटर में से आपने 3 लीटर में पोर कर दिया, तो कितना होगा, इसमें बचेगा 2, इसमें आ जाएगा 3, एंड यहाँ पे मान लो आपने दोनों को ही फिल कर दिया। लास्ट वन 5-3 है, तो वही 0-0 हो सकता है, या फिर आप 5-0 कर सकते हो, या फिर आप 0-3 कर सकते हो। नेक्स्ट हमें यहाँ से स्टेप्स को डिस्कार्ड करना है कि किस किस स्टेप को हम आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे, किस किस को नहीं करेंगे, किसको करोगे किसको नहीं करोगे। देखो 0-0 ये आपको प्रीवियस स्टेप में लेके जा रहा है, तो इसलिए इसको हम नहीं करेंगे। 3-0 नया है, आप इसको कर सकते हो। 5-3 पुराना स्टेप है, तो इसको भी आप नहीं करोगे। 0-0 फिर से आपके पुराना स्टेप है। 2-3 न्यू स्टेप आपके पास मिला है। 5-3 फिर से पुराना स्टेप है, इसको भी डिस्कार्ड करो, तो ये भी नहीं होगा। 0-0 नहीं होगा, 5-0 नहीं होगा, 0-3 नहीं होगा, क्योंकि ये सारे के सारे आपके पुराने स्टेप्स ही जो आपको पीछे लेके जा रहा है, लेकिन आपको पीछे नहीं जाना, आपको आगे जाना है। तो आपके सामने अभी भी वही दो ही स्टेप है, या फिर दो ही स्टेट है जिसको आप फर्दर एक्सपेंड करोगे, क्योंकि दीज आर योर न्यू स्टेट्स। तो लेट्स सी, हमारे पास दो है, एक आपके पास 3-0 है एंड एक हमारे पास 2-3 है। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए, तो सिंपल देखो यहाँ पे 2-3 को अगर मैं फर्दर एक्सपेंड करूँगा, 2-3 से मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें किसमें आपके पास 5 लीटर वाले में कितना चाहिए, 5 लीटर वाले में मुझे 4 लीटर चाहिए, 4 लीटर ऑफ वाटर नीडेड इन द 5 लीटर जग। तो फिर नेक्स्ट में क्या करूँगा, सिंपली आप सोचो अगे अगर आप 2-3 पे हो, नेक्स्ट आपके सामने क्या क्या है, मुझे यहाँ से फटाफट बताओ। अगर आप 2-3 पे हो, नेक्स्ट आप कहाँ कहाँ में जा सकते हो। यहाँ पे हम हर एक चीज़ को एक्सपेंड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिंपली आप बैक एंड में सोचो या फिर आपके मेमोरी में सोचो कि नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबल है, उसमें से कौन हमें पीछे लेके जाएगा, जो हमें फर्दर सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा उसको डिस्कार्ड करो। न्यू स्टेप यहाँ से क्या ड्राइव होगा, अगर आपके पास 5-1 है एंड 3-1 है, 5 में 2 लीटर है, 3 में 3 लीटर है, फुल है सेकेंड वाला, तो फिर
नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? क्या हुआ बताओ फटाफट, आप लोगों ने जो भी आंसर किया है ना कॉपी में या फिर यहाँ तक तो आई होप सबका सही होगा। अब जस्ट 2-3 को ही एक्सपेंड करो, बताओ कि नेक्स्ट मेरे पास क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स हैं एंड मुझे कहाँ कहाँ पे जाना होगा अगर मुझे सॉल्यूशन तक जाना है तो। क्या होगा सारे सो गए क्या? किसी की साइड से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा चार सेक्शन में। देखो आपके पास दो जग है ना, एक आपके पास कितना है 5 लीटर है, इसके आपके पास 2 लीटर ही खाली, 2 लीटर ही पड़ा हुआ है ठीक है। एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, एक 3 लीटर वाला जग है जिसमें आपने पूरा का पूरा भर रखा है पानी, तीन है। तो फिर नेक्स्ट आप क्या क्या कर सकते हो यहाँ से? नेक्स्ट आप ये कर सकते हो 50 50। ओके 50 यानी कि 50 कैसे करेंगे, मतलब जो किया था उसको फिर रिवर्स करोगे, पहले वाले में 5 कर दोगे, दूसरे वाले में 0 कर दोगे। ओके बाकी एनीवन एल्स, श्रुति, मनिका, विनोद, आपके आप लोगों के साइड से क्या आंसर है? अगर हम यहाँ पे हैं 2-3 पे हैं यानी कि पहले वाले में 5 है और दूसरे वाले में 3 है, तो फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कहाँ कहाँ जा सकते हो फटाफट बताओ, इतना टाइम क्यों लग रहा है? फोर फोर वन होगा, 4-1। फोर वन कैसे होगा? फोर वन कैसे होगा? देखो आपके सामने जो 5 लीटर वाला जग है उसमें से आपके पास 2 लीटर है, तो आप क्या क्या कर सकते हो? आप यहां से मान लो मैंने 5 को खाली कर दिया जो कि मुझे देगा क्या 0 एंड 3, तो उसमें है ही, लेकिन क्या मैं इसको एक्सपेंड करूंगा? नहीं करूंगा। रीजन क्या है कि ये मुझे फिर से पूरा नए स्टेट में लेके जा रहा है जो कि यहाँ पे 0-3 है, तो मैं सिंपली इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, तो आपको उसको एक्सपेंड नहीं करना है। और क्या हो सकता है, मान लो इसमें 2 है, आपने 3 को खाली कर दिया जो आपको क्या देगा 2-0 देगा ठीक है। ये पॉसिबल है कि नहीं कि पहले वाले में 2 है दूसरे वाले में कुछ है नहीं? तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट वन और क्या हो सकता है कि आपने दोनों को फिल कर दिया जो आपको वही 5 एंड 3 देगा, जो फिर भी आपको वही पुराना स्टेप में लेके जाएगा, तो फिर आपको इसको भी एक्सपेंड नहीं करना है। तो आपके सामने एक ही स्टेप आया न्यू वन, दैट इज नथिंग बट 2-0, तो हमें 2-0 को एक्सपेंड करना है। एंड 2-0 का मीनिंग क्या है कि हमारा जो पहला वाला था 5 लीटर उसमें 2 है ही, एंड यहाँ पे जो 3 लीटर वाला था उसमें कुछ है नहीं, समझ में आ रहा सबको? देन मैं क्या करूँगा, सिंपल देखो ये 2 लीटर को इसमें ट्रांसफर करूंगा, किसमें, इसमें, इसमें कुछ था नहीं, तो फिर 2 लीटर क्या होगा इसमें आ जाएगा। तो मान लो इसमें 2 लीटर आ गया, इसमें खाली रहेगा 1 लीटर एंड ये पूरा का पूरा एम्प्टी है, समझ पा रहे हो? तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप जो मैं प्रीफर करूंगा। तो फिर मैंने क्या किया 0 एंड 2 कर दिया ठीक है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मुझे कितना चाहिए 4 लीटर, बहुत आसान है। अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ है नहीं, इसमें 2 लीटर, इसमें खाली है, तो इसको फुल कर दो, 5 आ जाएगा, इसमें से एक बार पोर कर दो तो 1 लीटर खाली हो जाएगा, 4 लीटर हमें मिल जाएगा। तो वही है, मैं नेक्स्ट क्या करूंगा 5-2, देन मेरे पास आ जाएगा 4 एंड 3। अब आया समझ में 50 30? यस 30 आप कर सकते हो, लेकिन वही चीज वो आपको आगे कुछ आंसर देगा नहीं, तो इसीलिए आप उसको एक्सपेंड नहीं करोगे। तो फिर मैंने क्या किया 2-0 के साथ आगे प्रोसीड किया, तो 2-0 देन मैंने 2 को इसमें ट्रांसफर कर दिया, उसमें 1 लीटर खाली बचा एज यू कैन सी हियर, देन मैंने इसको फिल करके इसमें से और 1 लीटर खाली कर दिया, तो फिर यहाँ पे मेरे पास 4 लीटर हो गया जो हमारा टारगेट गोल है। टारगेट था जो टारगेट स्टेट था पहले में 4, दूसरे में 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एंड वो हमारा अचीव हो गया।
तो ये आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स है, यहाँ भी वही शायद 7 के आसपास ही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, हाँ यहाँ पे भी वही टोटल 7 नंबर ऑफ स्टेट्स ही हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आपको 7 ही मिलेगा, 30 से आप जाओगे वहाँ से आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। सो चलते हैं आगे, नेक्स्ट वन, आगे तो कुछ है नहीं, वही चीज़ था जो अगर हम क्वेश्चन के पास देखेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए। तो ये है आपके वाटर जग प्रॉब्लम, इस तरीके से आपके वाटर जग प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स हैं नेक्स्ट एंड कौन से स्टेट्स हमें आगे लेके जा रहे हैं, हमें उन्हीं को ही कंसिडर करना है, जो हमें आगे लेके नहीं जा रहे हैं सिंपली हमें उसको इग्नोर करना है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ से आपके AI के जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ AI थिंग्स या फिर हाउ AI सॉल्व द क्वेश्चन या फिर हाउ AI सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आपको थोड़ा बहुत यहाँ से उसका स्ट्रैटेजी समझ में आ रहा हो कि क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स है जो ह्यूमन बींग के सोचने के थोड़ा सा बाहर है वो सोच सकता है, क्योंकि आपका दिमाग का एक लिमिटेशन है, लेकिन उसके पास जो प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स है उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना आगे बोलोगे उतना आगे कंप्यूट करके आपको बता सकता है। सो अगर आपको इसके PDF चाहिए वो आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, सिंपली उसके लिए डाउनलोड करें एप्लीकेशन एंड उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से कॉन्टेंट मिलेगा आपको, जहाँ पर आप UGC नेट कंप्यूटर साइंस के अंदर जाओगे तो फिर आपको यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो हमने ऑलरेडी ले रखा है, तो फिर आप उनको भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। सो होप क्लास आपको पसंद आया होगा, अगर नहीं आया फिर से दोबारा से रिवर्स करो, क्योंकि मैं भी ये जो कॉन्सेप्ट है ना काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगता है, बट फिर भी हमने कोशिश किया जितना हो सके मिनिमाइज्ड वे में एंड सिंपल वे में समझाने की। सो आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन सर्च करके या फिर क्वेश्चन कुछ भी बना के आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका अच्छा रहेगा, ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको और बेहतर तरीके समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अगर क्लास पसंद आया तो फिर आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड फिर मिलेंगे कोई दूसरे सेशन में, जहाँ पे एक ऐसा कोई न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बींग विथ मी एंड आई विल मीट अगेन, हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।